हूँ कीर्ति। कीर्ति रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा करी। अंडा करी बनाने के लिए हमें चाहिए 4 उबले हुए अंडे, इसके छिलके मैंने निकाल लिए हुए है, हरा धनिया लिया हुआ है, टमाटर लिए 2 मीडियम साइज के, अदरक लिया हुआ है, लहसुन की कलियां लिए हुए 6 से 7 कलियां, बारीक चॉप किया ऑनियन है 2 मीडियम साइज के ऑनियन है, ये इसे मैंने थोड़ा बारीक कटा हुआ है, लाल मिर्च पाउडर तीखा वाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, तेल लिया हुआ है 4 बड़े चम्मच। सबसे पहले हम जार मिक्सर का जार लेंगे, इसमें मैंने बारीक ये बड़े वाले साइज के ऑनियन लिए हुए हैं, ये हम इसमें मिक्सर में डाल देंगे। इसके बाद मैं टमाटर डालने वाली हूँ, ये भी टमाटर डाल देंगे। लहसुन और अदरक की कलियां ली हुई थी ना, ये भी हम इसमें ही बारीक ग्राइंड कर देंगे। इसे मैं मिक्सर में बारीक पीस लूंगी, इसका मैं पेस्ट बना लूंगी। देखिए मैंने इसे ऐसे बारीक पेस्ट किया हुआ है, इसमें मैंने थोड़ा सा मिक्सर में थोड़ा सा पानी डाल के इसे बारीक ग्राइंड कर दिया है। सबसे पहले हम ये उबले हुए अंडे लिए हुए, इसमें हम एक एक मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे, इसे फ्राई कर लेंगे पहले। इसके लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये मैं ले रही हूँ, ये अंडे में ऐसे थोड़ा सा डाल देंगे, क्योंकि अंडे का कलर बहुत ही अच्छा आएगा ग्रेवी में डालते हुए। ये तीखा वाला मिर्ची लाल मिर्च पाउडर है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर लिया है थोड़ा सा, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये अंडा अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है ना, इसे मैं थोड़ा सा ऐसे फोक से अंदर से मैं दबा दूँगी ताकि अंदर भी टेस्ट चला जाए। बस गैस ऑन करके रखा हुआ है, पैन रखा हुआ है, पैन गर्म हो चुका है, इसमें मैं 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ अंडे फ्राई के लिए, 1 से 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है। तेल गर्म हो चुका है अच्छे से, अब मैं इसमें 1-1 अंडे डाल दूँगी। ध्यान रखिए अंडे फ्राई करते हुए ध्यान रखना चाहिए, तेल के छिटके हमारे बदन पे ना उड़े इसके लिए थोड़ा सा आधा कवर करके इसे अच्छे से हिलाना है। अंडा हमें अच्छे से ब्राउन कलर आने के लिए थोड़ा सा अंडे को ब्राउन कलर आने के लिए इसे हमें पकाना है। देखिए दोस्तों हमारे अंडे को अच्छे से कलर आ रहे हैं, अब मैं ये अंडे निकाल दे रही हूँ। अच्छे से फ्राई हो चुका है अंडे, गैस मैंने मीडियम करके रखा हुआ है। अंडे 1-1 करके हम निकाल देंगे, अंडे मैंने निकाल दिया, यही कढ़ाई में मैंने बाकी का बचा हुआ तेल इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें 1-1 सामग्री ऐड करूंगी, ऑनियन चॉप किया हुआ बारीक, ऑनियन अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें हम जो हमने प्यूरी बना के रखा हुआ है ये हम इसमें ऐड करेंगे। ऑनियन अच्छे से पक चुका है, हम ये इसमें प्यूरी ऐड करेंगे। इसे चलाते रहिए, इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसे अच्छे से तेल ना छूट जाए और अच्छे से ग्रेवी थिक ना हो जाए। गैस हमें मीडियम साइज में ही रखना है, ज्यादा हाई स्पीड पे नहीं रखना है, नहीं तो ये हमारे बदन पे उड़ सकता है। देखिए
ग्रेवी में अच्छे से तेल आने लग चुका है। अब हम इसमें एक एक जो मसाले बाकी के बचे हुए वो इसमें ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे तीखा वाला, दो बड़े ये छोटा वाला चम्मच लिया है मैंने, दो डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, ये खाली कलर के लिए डालना है, ये फीकी मिर्ची रहती है, ये भी मैं दो टीस्पून डालने वाली हूँ। हल्दी लेना है आधा टीस्पून, धना जीरा पाउडर लिया है, गरम मसाला एक टीस्पून, सारी सामग्री अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए कितना अच्छे से कलर आ चुका है रेड। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इस कढ़ी में हमें अंडे डाल देना है। अब इसमें आधा कप मैंने पानी लिया हुआ है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसे हमें 2 से 3 मिनट पकने देना है। देखिए हमारे अंडे अच्छे से पक चुके हैं, अंडा करी रेडी हो चुका है। इसमें मैं धनिया ऐड करने वाली हूँ, ऊपर से थोड़ा सा मैं बचा के रखी हूँ गार्निशिंग के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अंडा करी तैयार हो चुका है, अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। वाओ कितना अच्छा सा कलर आ चुका है, मस्त लग रहा है, खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। इसे आप बना के देखना है अपने घर पे। अब ये हमारा रेडी हो चुका है अंडा करी। अगर मेरा आज का ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हुई तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए।